उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को अपने परिवार के साथ वृंदावन आए। यहां पहुंचने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद अखिलेश यादव वीआईपी पार्किंग से होते हुए बिहारी जी मंदिर पहुंचे। बांके बिहारी मंदिर पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान बांके बिहारी के समक्ष अपना सिर झुकाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव बिटिया भी मौजूद थी। मुझे खुशी है इस बात की कि इधर बहुत दिनों से बिहारी दर्शन नहीं किए थे मैंने। पिछली बार भी जब मैं आया था, पिछली बार भी एक कार्यक्रम में जब मैं यहाँ आया था, उस समय थोड़ा ऐसा था कि नहीं दर्शन हो पाए थे। इसे जब आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि आज वृंदावन में आकर के बिहारी जी के दर्शन जरूर करूँगा। और कृष्ण भगवान की धरती, बिहारी जी की धरती, यहाँ से मिलकर के लोगों से और यहाँ पर दर्शन के बाद आशीर्वाद मिले, इस उम्मीद और इस कामना के साथ मैं आया हूँ। और मुझे भरोसा है कि जो काम समाजवादियों ने शुरू किए थे वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में, गोवर्धन में, ये सरकार भी उन कामों को आगे ले जाएगी। जहाँ तक सवाल वृंदावन का है, मथुरा का है, गोवर्धन का है, बरसाना का है, समाजवादी सरकार में हम चाहते थे कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए हम बनाना चाहते थे जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों लोग यहाँ एक वर्ष में पहुँचते हैं, कम से कम उनके लिए इंतज़ाम अच्छा हो, वो आए तो उनको तकलीफ और परेशानी का सामना न करना पड़े। इसीलिए आपको याद होगा, क्योंकि पत्रकार साथी कुछ चीज़ें भूलते नहीं हैं, ये एक्सप्रेसवे से जो रास्ता वृंदावन को खोला, ये समाजवादी सरकार की देन है। और ये 4 लेन भी बनना था, अब ये सरकार कितना बनाएगी ये बिहारी जी जानते हैं। ये जो बनना शुरू हो गया था घाट, एक सुंदर यहाँ भी जगह बने, क्योंकि गंगा साफ तब होगी जब यमुना साफ हो जाएगी। यमुना की सफाई नहीं होगी तो गंगा साफ नहीं हो सकती है। हिंडन नदी साफ नहीं होगी, काली नदी साफ नहीं होगी तो हमारी नदियाँ साफ नहीं हो सकती। इसलिए हमने काम शुरू कराया था, ये शायद रुक गया है। बरसाना में भी राधा रानी की जगह पर और उस इलाके में गोवर्धन में आपको याद होगा वो केबल भी शुरू करा दिया था, जिससे जो आए श्रद्धालु, जो भक्त लोग आए, कम से कम मंदिर और आसपास का उन्हें आसान हो, उनके लिए सुविधा हो, वो काम शुरू कर दिया था, शायद वो भी रुक पड़ा है। गोवर्धन में एक बार को पदयात्रा करें लोग तरह तरह से श्रद्धा के हिसाब से चीज़ें करते हैं। पार्किंग की जगह नहीं थी, वॉशरूम नहीं था, समाजवादी सरकार में वो काम शुरू हो गया था। यही अक्षय पात्रा जहाँ मैं आया था, उस समय जब भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद शिलान्यास राष्ट्रपति जी ने किया था, प्रणब मुखर्जी जी ने, देश का नहीं दुनिया का सबसे ऊँचा मंदिर बनने जा रहा है, और उसकी शुरुआत भी समाजवादी सरकार, और हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब उसकी शुरुआत की थी मैंने। वो भी काम आगे बढ़ा, उस समय नाले में बहुत बदबू आती थी, वो नाले को भी नियंत्रण करना और सड़क को चौड़ी करना, अच्छा करना, स्ट्रीट लाइट लगाना, और वो सुविधा देने का भी काम हुआ था। विधवाओं के लिए भी पेंशन हुई थी, समाजवादी पेंशन, बसों में उनको सरकारी बस में जहाँ जाना चाहें वो सुविधा दी थी। मैं समझता हूँ यहाँ मोर पार्क भी बन रहा था, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट का और डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा था, उसमें मैंने तय किया था कि यहाँ पर कृष्ण भगवान के समय के जो पेड़ थे, चाहे वो बरना रहा हो, कदम रहा हो, तुलसी बन रहा हो, या और जो पेड़ पौधे थे, और मोर के लिए अच्छी व्यवस्था करने का काम भी फैसला लिया था। शायद वो काम पूरा होगा, और अगर पूरा नहीं होगा तो बिहारी जी देख रहे हैं, सब चीज़ उनके सामने है।